जय हिंद, देखते रहिए चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र और रहिए खबरों में अपडेट। मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ के मवाना में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मवाना की तस्वीरें हैं। पीड़ित आशाराम ने एंटी करप्शन टीम को लेखपाल की शिकायत की थी। बताया कि लेखपाल लोकेश शर्मा ने उससे आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। टीम ने आज लेखपाल लोकेश शर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम लेखपाल को मवाना थाना लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। मवाना क्षेत्र के नसरपुर गांव निवासी आसाराम ने लेखपाल लोकेश की शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया था कि वह पिछले 15 दिन से अपना आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहा है। लेखपाल लोकेश ने कहा कि वो प्रमाण पत्र के आवेदन को रिकमेंड कर देगा, लेकिन उसे 5,000 रुपए लगेंगे। पहले पीड़ित इनकार करता रहा, लेकिन लेखपाल नहीं माना तो पीड़ित 5,000 रुपए की रिश्वत देने को तैयार हो गया। लेकिन पीड़ित आसाराम ने लेखपाल की शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। टीम ने आज शुक्रवार को प्री प्लान तरीके से आसाराम को लेखपाल के पास 5,000 रुपए लेकर भेजा। पैसे हाथ में लेते ही तुरंत एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को अरेस्ट कर लिया। टीम लेखपाल को मवाना तहसील में लेखपालों के चैंबर से अरेस्ट करके लाई है। वहीं एंटी करप्शन टीम को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। दूसरे लेखपाल भी काउंटर छोड़कर भाग गए। एंटी करप्शन टीम की प्रभारी अंजू भदौरिया के साथ 11 लोगों ने मिलकर लेखपाल को पकड़ा था, जिसके बाद लेखपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माफी मांगने लगा। लेकिन एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से बरामद रिश्वत के 5,000 रुपए ले लिए। तलाशी से जेब में रखे 5,000 रुपए, आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी जब्त किए हैं। वहीं जो ये आरोपी है, इसकी कार भी जब्त कर ली है। आसाराम ने क्या मामला था? ये मेरे से आय प्रमाण पत्र बनाने के 5,000 रुपए मांगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो 5,000 रुपए लिए जाते हैं आय प्रमाण पत्र। हाँ बताओ। तो मैंने इसे एंटी करप्शन केस शुरू किया है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो मवाने। तो कितने रुपए मांगे जा रहे थे? कौन था ये पटवारी? पटवारी हाल एक बार कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा,